और उस गुफा पर वही पत्थर लगाकर आएंगे जो 40 चोर लगा आए थे। याद रखना मोदी जी, जिस दिन ये जनता भड़क गई उस दिन उल्टे लटके हुए नजर आओगे किसी न किसी चौराहे पर, और तुम्हारे नाम की मूर्तियां नहीं, तुम्हारे नाम के जूते बनाए जाएंगे, और वही जूते एक दिन तुम्हारी तस्वीरों पर मारे जाएंगे। गरीबों पर अत्याचार करने वालों का यही अंजाम हुआ है। ये आदमी गरीब और किसानों के लिए राक्षस है, खून चूसने वाला कीड़ा है। अब कोई और किसान तेल निकालकर सीधा जनता को ना बेच सके उसका भी कानून बना दिया। देख रहे हैं आप मोदी जी की मक्कारी और नीचता की हद। ये आदमी वो पिस्सू है जो आपकी गर्दन पर बैठकर आपसे चिपक कर आपका खून पीता रहता है। आम आदमी पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन सुनो, अपने मां बाप के नाम पर कलंक नरेंद्र मोदी, तुम अपना वो अंत देखोगे कि तुम्हारी तरह बनने का सपना देखने वाले अपनी आंखें नोच लेंगे। तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले एक दिन तुम्हें कुचलते हुए निकलेंगे, और तुम्हारी भक्ति करने वाले लोग तुम्हें गुफाओं में खुद छोड़कर आएंगे। होश में आ जाओ, वरना वो हाल होगा कि जीवन भर होश में नहीं आ पाओगे। साथियों, अब बाजार में कोई नॉन ब्रांडेड तेल नहीं बिकेगा। अब छोटे दुकानदार बिना ब्रांड वाला खाने का तेल नहीं बेच सकेंगे। अब खाने का तेल ब्रांडेड होगा तभी मार्केट में बिकेगा। मतलब अब अडानी और रिलायंस ब्रांड का तेल ही आप खरीदने को मजबूर किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में ही दालों सहित कई तिलहनों को जरूरी सामान की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तभी से पूरे मार्केट की दालें और तिलहन उद्योगपतियों ने खरीदना और जमाखोरी करना शुरू कर दिया था। अब इन तिलहनों से जो तेल बनेगा वो सिर्फ इन उद्योगपतियों के ब्रांड का ही होगा। फिर मोदी जी ने एक दाव और चला और बाजार से बिना ब्रांड तेल की बिक्री बंद कर दी। कुल मिलाकर उद्योगपतियों को एक तरफा मार्केट बनाकर दिया जा रहा है। पहले कच्चे माल के लिए तिलहन की जमाखोरी करने का कानून बना दिया। अब कोई और किसान तेल निकालकर सीधा जनता को ना बेच सके उसका भी कानून बना दिया। देख रहे हैं आप मोदी जी की मक्कारी और नीचता की हद। यह आदमी गरीब और किसानों के लिए राक्षस है, खून चूसने वाला कीड़ा है। यह आदमी वो पिस्सू है जो आपकी गर्दन पर बैठकर आपसे चिपक कर आपका खून पीता रहता है और आपको एहसास भी नहीं होता। भाइयों, नॉन ब्रांडेड तेल पर पाबंदी लगाने का मतलब जो गरीब मजदूर 50 रुपए में शाम के खाने का सामान लेता था उसे अब 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यदि इतने पैसे नहीं हुए तो उसके बच्चे रात में भूखे सोएंगे। वो घरों में काम करने वाली गरीब मां जो सुबह 20 रुपए का तेल लाकर अपने बच्चे को बासी रोटी तेल में तलती थी, उसके टिफिन में रखती थी, अब वो बासी रोटी टिफिन में रखने को मजबूर होगी। वो चाय वाला जो 50 रुपए का तेल लाकर 20 रोटियों पर गरम करके तेल लगा लेता था और 20 रुपए की सब्जी तैयार करके अपना और अपने कर्मचारियों का रात का खाना बनाता था, अब ये लोग भी नमक मिर्च के साथ रोटी खाकर सो जाएंगे। क्योंकि आज हम रोज देख रहे हैं कि साहब किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मोदी जी को अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है, ये तो भाजपा के लोग खुद कह चुके हैं। लेकिन इस आदमी में इंसानियत भी नहीं है, ये आज हम सब देख रहे हैं। जनता में इतना डर भर दिया है कि कोई खुलकर विरोध नहीं कर सकता, और इसी डर की दहशत का फायदा उठाकर आम आदमी पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन सुनो, अपने मां बाप के नाम पर कलंक नरेंद्र मोदी, तुम अपना वो अंत देखोगे कि तुम्हारी तरह बनने का सपना देखने वाले अपनी आंखें नोच लेंगे। तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले एक दिन तुम्हें कुचलते हुए निकलेंगे, और तुम्हारी भक्ति करने वाले लोग तुम्हें गुफाओं में खुद छोड़कर आएंगे, और उस गुफा पर वही पत्थर लगाकर आएंगे जो 40 चोर लगा आए थे। याद रखना मोदी जी, जिस दिन ये जनता भड़क गई उस दिन उल्टे लटके हुए नजर आओगे किसी न किसी चौराहे पर, और तुम्हारे नाम की मूर्तियां नहीं, तुम्हारे नाम के जूते बनाए जाएंगे, और वही जूते एक दिन तुम्हारी तस्वीरों पर मारे जाएंगे।
गरीबों पर अत्याचार करने वालों का यही अंजाम हुआ है। कभी इतिहास की किताब पढ़ना, एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, जोसेफ स्टालिन, इदी अमीन, माओ जेडोंग और मुअम्मर गद्दाफी का क्या हाल हुआ, होश में आ जाओ, वरना वो हाल होगा कि जीवन भर होश में नहीं आ पाओगे।